भीषण गर्मी के दौर में नालसा नगर में भारी जल संकट की स्थिति बनती जा रही है। नगर में 10 से 15 दिनों में एक बार 20 से 25 मिनट के लिए नल से मटमैला पानी मिलने की बात ग्रामीण कर रहे हैं और सरपंच से बात करने पर सरपंच द्वारा उन्हें सीधे से जवाब नहीं दिया जा रहा। साथ ही ग्राम पंचायत में सचिव सहित कर्मचारियों के न रहने, रोजमर्रा के आम लोगों के कार्यों में लेट तरतीबी और टालम टोल के रवैये के साथ ही नलों से पानी न मिलने को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ऐसे में आज ग्राम पंचायत के विभिन्न लापरवाही के चलते परेशान ग्रामीणों ने पंचायत भवन पर हल्ला बोल दिया और सरपंच मोहन डावर को जमकर खरी घोटी सुनाई। इसके बाद सरपंच ने जल व्यवस्था को सुधार कर सुचारू रूप से पंचायत की ओर से जल प्रदाय करने का आश्वासन दिया। वहीं ग्रामीण जिद पर अड़े कि उनके क्षेत्र में आकर देखें जहां लोगों के घरों में 10 से 12 दिनों में नल आ रहे हैं और वह भी 20 से 25 मिनट के लिए, मटमैला पानी आने और जगह जगह से लीकेज पाइपलाइन को सुधारने की बात करने लगे, जिसके बाद सरपंच ने लोगों की बताई समस्याओं को जाकर देखा और शीघ्र ही व्यवस्था में सुधार करने की बात कही। नल कितना समय चले? 10 से 15 मिनट चले। तो इतनी देर में कहीं पानी भरा है? पानी भी कम है ना, पानी भी पूरा नल छोड़े नहीं, वो तो पानी भरा है वो कहाँ से? नल की परेशानी है, नल बार बार बंद चालू हो रहे हैं, नल में डोला पानी आ रहा है और नल एक घंटा छोड़ने की बात कर रहे हैं सरपंच साहब, मगर एक घंटा भी नल नहीं चल रहे हैं और बीच में लाइट भी चले जाती है, वो पीने लायक पानी आ नहीं रहा है, डोला पानी आ रहा बार बार, और सरपंच को फोन लगा के बोल रहे हैं तो सरपंच बोल रहा है कि नल नहीं आएंगे, जितने टाइम चलना उतने टाइम चल गए, और यही समस्या लेके हम पंचायत में गए थे और सरपंच साहब आए थे, सरपंच साहब देख के गए और वाल खोल नहीं रहे, अभी सरपंच साहब के सामने पूरा वाल खोल दिया और पानी सही साढ़ आ रहा, अभी इसके पहले वाल आधा खोला था तो नलों में पानी नहीं आ रहा था, तो कर्मचारी यहाँ लेते नहीं है, नल खोल के चले जाते और उसका घड़ी का टाइम देख के नल बंद कर देते और यहाँ समस्या हल ही नहीं हो रही है पानी की।